यहाँ पे पैकिंग वैकिंग चल रही है, वहाँ पे प्रेस हो रही है, आयरनिंग हो रही है, और फिर हम कल सुबह निकल जाएंगे। मम्मी आर यू एक्साइटेड? वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक हो, अच्छे हो, मजे में, बढ़िया हो। कैसी चल रही है आप लोगों की जिंदगी? तो उम्मीद करते हैं अच्छी खासी चलती रहेगी। पता नहीं हमारे जिंदगी में, भाई साहब पता नहीं हमारे जिंदगी में ऐसा कौन सा दिन आएगा जब ये सारे कपड़े, गीले कपड़े कहीं बाहर ग्रिल में सूखते रहेंगे और हम यहाँ पे ढंग से वो पुराने दिनों जैसे एकदम धूप में अच्छे से रिकॉर्ड कर पाएंगे। लाइक आप पूरा बैकग्राउंड देखते रहोगे ऐसे कपड़े 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 सूखते ही रह रहे हैं, सूखते ही रह रहे हैं। बारिश की वजह से सारे कपड़े घर के अंदर सूख रहे हैं, वैसे नहीं तो बालकनी में बाहर सूख। गाइस ये देखो मैं यहाँ बाहर आ गया, यहाँ पे डलनेस तो उससे ज़्यादा, मतलब यहाँ पर कपड़े तो उतने नहीं है बट यहाँ पे डलनेस इतनी ज़्यादा है। लाइक ये जो भी आपको लाइट्स वाइट्स दिखती रहेगी वो बहुत कलर करेक्शन करने के बाद दिखती है, नहीं तो बहुत अंधेरा होता है। हाँ अब ठीक है, अब फिर भी थोड़ा सा बेटर। हाँ बेटर 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 वे बेटर वे भी ऐसे बात करेंगे। अब बात करने के लिए बचा ही क्या है यार, सोचना पड़ेगा। सब कुछ तो पता है आपको, नहीं आपको ऐसी क्या चीज़ है जो नहीं पता है? आज सुबह सुबह को शुरू करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं पता है? हाँ एक और चीज़ है जो कि हम कल जाने वाले हैं कहीं, तो भी बाहर हम कल जाने वाले हैं, वो आपको नहीं पता है। तो हम कल कहाँ पर जाने वाले हैं तो वो मैं आपको कल ही बताने वाला हूँ। भाई साहब कल हम लोग एक बहुत ही मस्त और एक्साइटिंग जगह पे जा रहे हैं। मैं और मम्मी साथ में जाएंगे और उसके साथ ही साथ सूरज भैया भी रहेंगे, तो हम तीन लोग तो ये कंफर्म जा रहे हैं। और उसके साथ और भी बहुत सारे लोग होंगे हमारे साथ, तो और भी बहुत सारे नए नए लोग होंगे, अनजान लोग होंगे, तो फिर उनके साथ देखेंगे अगर बातचीत हुई। या मेरे को नए लोगों से, अनजान लोगों से बातचीत करके बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज वो अपनी स्टोरी बताते हैं, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में बताते हैं, उनका घर का माहौल के बारे में बताते हैं, फिर हम उनसे मिलते हैं, तो बातचीत बातचीत में होती रहती है, इतनी सारी चीज़ें जानने को मिलती है, सीखने को मिलती है, मज़ा आ जाता है। तो कल हम लोग गुड मॉर्निंग रैंचो, गुड मॉर्निंग वी हैव रैंचो हियर। रैंचो क्या लाइट्स आ रही है अभी यहाँ पे? लाइट्स ढंग के आ रही है क्या? दिख रहा है रैंचो भाई साहब यार, इसका शेल और इसका ये फेस कितना ऐसे अलग और यूनिक ही चीज़ दिखती है ना, कि एकदम अलग ही क्रीचर कैसे बना है ये वाला। अलग कलर्स और अलग अलग एक एक लाइन्स आप देख सकते हो यार, ये देख सकते हो कितना ध्यान से, कितना क्लीन दिख रहा है। देखो पहले नाश्ता दे देता हूँ और जल्दी से बाहर निकालता हूँ, क्योंकि आज ब्रो घर पे नहीं है। भाई साहब ब्रो घर पे नहीं है तो तुम आज पूरा दिन घर पे घूम सकते हो, ठीक है? डाल दो। देखो वो आ गया। देखो मेरे हिसाब से ब्रो आया है, जितना मुझे फीलिंग आ रही है, जितना मुझे आवाज़ आ रहा है, आ तो गया। देखा मैंने बोला था ना आ गया, इसने ना ही नॉक नॉक किया ना अंदर। यार अंदर नहीं, अभी मम्मी बाहर है तो किचन में बराबर जाए बाहर। ओए ओए कितना खुश लग रही है, तो देखो कि इसको घर के अंदर आने दिया है उसमें ही खुश हो गया ये। आजा। ओए मैं नाश्ता नहीं दे रहा हूँ, मेरे को ही नाश्ता नहीं मिला है अभी तक। मैं देखो नहीं दे रहा हूँ, मेरे को नाश्ता मिलेगा उसके बाद तेरे को नाश्ता मिलेगा, पहले बड़े भाई को फिर छोटे भाई को। ब्रो बोल मम्मी को नाश्ता देने के लिए, जा अंदर जा, जल्दी भाग, मम्मी देगी नहीं तो बाद में नहीं मिलेगा फिर वरी, जब भी मेरा नाश्ता बनेगा तो। ओए तेरे से बात कर रहा हूँ, ओए हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग, आवाज आ रही है मेरी? सच्ची बोल रहा हूँ, अभी नाश्ता ले ले नहीं तो बाद में नहीं मिलने वाला है, ठीक है? जल्दी जा अंदर अभी। ये घर पे सबसे ज्यादा इज्जत छोटे को ही मिलती है, ठीक है? पहले तेरे को नाश्ता मिल रहा है उसके बाद मेरे को मिलेगा, इससे अच्छा छोटा होना ही बहुत सही होता है। तो जल्दी से खाओ तुम नाश्ता, उसके बाद हम तुमसे बात करेंगे। गाइस आज सुबह के नाश्ते में हमारे पास है रोलर्स और सॉस, तो ये एकदम सिंपल और लाइट नाश्ता होता है, तो जल्दी से खा के करते हैं आपसे बात। ओए क्या हुआ, कंफ्यूज क्यों है? अच्छा बाहर बारिश हो रही है इस वजह से तू अभी अंदर आ गया। गाइस जो मैं कहता हूँ ना, ये ब्रो पागल हो जाता है, ये ऐसी हरकतें करते हैं। देखो इसे पता नहीं है कि मेरे को, अरे समझ गया मैं रिकॉर्ड स्टार्ट किया हूँ, अब है ना बाहर चला। अरे देखा मैंने क्या कहा था, फुल नौटंकी। अरे अरे 2 सेकंड पहले आप देखते थे ये फर्श पे कैसे गोल 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 घूमता है, हैं ब्रो? देखा बाहर चला गया सीधा इग्नोर करके बाहर। हर
हर बार मेरे साथ ही ऐसा होता है, जो भी चीज़ सोचता हूँ ना, जैसी भी चीज़ सोचता हूँ वैसी कुछ होती ही नहीं है। तो इस वजह से लगता है कभी कभी सोचना छोड़ दूँ कि क्या ऐसी चीज़ होगी, क्या ऐसी चीज़ नहीं होगी। यार मैंने सोचा था कि अभी खाना खा के मस्त थोड़ी देर बाद है ना, उसके बाद ब्रेक लेके थोड़ी देर रेस्ट लेके हम लोग जाएंगे नीचे चाय पीने के लिए। मैंने ऐसे सोचा था क्योंकि यार मतलब अच्छा खासा मौसम हो रखा था और चाय का तो मज़ा आ जाता था, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई है, इतनी तेज़ बारिश हो गई है, कहाँ नीचे जाएंगे, कुछ नीचे जाने का प्लान नहीं बनेगा। क्यों भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा थोड़ी कोई करता है। अब इतनी तेज़ बारिश हो रखी ना, लगता है खाना खाने के बाद सारा प्लान कैंसिल, कुछ भी नहीं, किधर भी नहीं, बस चुप करके खाना खा के घर पे बैठ जाओ, सो जाओ, चादर पहन के सो जाओ, बस दैट्स इट, इतना ही करो यार। ओ वाओ मम्मी, आपने इतने टाइम से खिलाया नहीं है खाना बचपन में मम्मी मेरे को आपने हाथों से खिलाती थी, अभी कभी खिला रहे हो मम्मी खाना? नहीं अभी जूते खा, खत्म, बाय बाय। अरे नहीं जूते तो गाइस आज दोपहर के खाने में रस आलू की सब्जी और चावल और बाहर पापड़ रहेगा, तो जल्दी से खा के करते हैं उसे बस। और लुक एट दिस, वी हैव नम्रता दीदी हियर। नम्रता दीदी, इतने टाइम से आपको डिस्टर्ब ही नहीं किया है हमने इतने टाइम से आपको इरिटेट ही नहीं किया है। ओ माय, अच्छा खाना खा रहे हो, खाना खाते टाइम नो डिस्टर्बेंस, एंजॉय फूड, उसके बाद करेंगे आपसे बात। क्या घुमाने ले, कितने टाइम से घूम ही रहे हो, खाएं, बारिश हो रही है आज मौसम, भाई बारिश नहीं, कुल्चे खाएं, गरम चाय पिए, भीगना नहीं है बस, कल दो बार भीग चुका हूँ मैं, रास्ते में आधा घंटा बैठा हुआ था भाई मैं। Much later. यार ऐसे थोड़ी कोई करता है यार, मैं खाना खा के थोड़ी देर लेटा था और सीधा यहाँ पे डेढ़ घंटे गुल, ऐसे थोड़ी कोई करता है यार। मैं सोया था थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए सोया था, डेढ़ दो घंटे हो गए सीधा, अब बोल रहे हैं 8:30-9, रात के 8:30-9 बज रहे हैं यार। मेरे को दोपहर को सोना नहीं था, बिकॉज़ अगर मैं अभी दोपहर को सोया हूँ तो मेरे को रात में नींद ही नहीं आएगी, अब मैं पूरी रात जागता ही रहूँगा यार, ऐसे थोड़ी होता है यार। गाइस अभी हमारी हो रही है गुड मॉर्निंग, तो आ जाओ अभी हम लोग बनाएंगे चाय थोड़ी सी नींद वींद भगाने के लिए, उसके बाद देखते हैं। आज यार नीचे भी जाना था, बारिश की वजह से नीचे जाना रह गया, बट पहले सबसे पहले पहले चाय बनाएंगे, ठीक है? तो गाइस अभी एक है ना प्रॉब्लम हो गई है कि मैंने ना दूध गलत दूध में से चाय रख ली है, मतलब दूध ही है ये, बट यार हमारे घर पे या आपके घर पे भी शायद दो दूध आते रहेंगे ना, काओ का आता रहेगा, एक बफेलो का आता रहेगा, तो हमारे घर पे जो चाय रखते हैं वो काओ के दूध से रखते हैं, और मैंने रख दिया बफेलो के दूध से चाय, शायद अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये चाय ढंग से अच्छी बनेगी नहीं बनेगी। एक तो घर पे कोई है ही नहीं, मेरे को समझते नहीं है कौन सा दूध काओ का है कौन सा बफेलो का है यार, मेरे को दूध दिखाई दिया मैंने डाल दिया, अब अच्छी बनेगी नहीं बनेगी मेरे को खुद नहीं पता यार। प्लीज़ यार नींद खुलने जैसी बन जाना, बाकी कुछ भी हो जाए चलेगा। जा 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 ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो। अदरक इलायची डाल देता हूँ यार गाइस, ये तो चाय को ठीक ही कर देगा। लो कर लो बात गाइस, चाय तो बन गई है, अब शक्ल भी पीने लायक तो बन रही है, अब चलो चल के देखते हैं यार चाय ढंग की है कि नहीं है। गाइस उतना मज़ा तो नहीं है चाय में, बट बहुत फीकी फीकी और कच्ची कच्ची लग रही है, बट देखने में आपको बहुत अच्छी लगती रहेगी, शक्ल बहुत अच्छी है, बट टेस्ट में उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, वर्थ इट नहीं है यार। चलो ठीक है, बट काम चला लेंगे, मिस्टेक हो गई तो हो गई, अभी पता नहीं दूध की वजह से हुई है कि मेरे को चाय रखनी ही नहीं आई है, मैं चाय उतनी अच्छी नहीं रख पाता हूँ, प्लीज़ कोई चाय बना के पिला दो। इस मैंने आप लोगों को तो आज दोपहर में बताया था ना कि हम लोग कल कहीं पे जाने वाले हैं, मैं, मम्मी और सूरज भैया, और भी बहुत सारे लोग होने वाले हैं जो कि अननोन है, मेरे नोन दो ही लोग हैं, मेरी मम्मी और सूरज भैया, तो उसकी अभी यहाँ पे पैकिंग वैकिंग चल रही है, वहाँ पे प्रेस हो रही है, आयरनिंग हो रही है, आयरनिंग यहाँ पे, ये मेरा कुर्ता है ये वाला प्रेस होना बाकी है, फिर इससे डालेंगे वो बैग के अंदर जल्दी से, और फिर हम कल सुबह निकल जाएंगे। मम्मी आर यू एक्साइटेड? एज यूजुअल नम्रता दीदी ने हमको लास्ट में पैकिंग में हेल्प करवाई है, ये वाली पैकिंग होते हुए मम्मी और नम्रता दी की वजह से मैंने सिर्फ अपने कपड़े दे दिए थे और वो अंदर डाल दिए गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारी पैकिंग के ऊपर?
लास्ट टाइम पूरी पैकिंग मैंने की थी, ठीक है, जब रौनित के घर गया था ना तो पूरी ढंग से पैकिंग मैंने की थी और सारा सामान लेके गया था। हाँ, लास्ट मोमेंट पे चार्जर, लास्ट मोमेंट पे चार्जर दो बार भूल गया था, फोन पे मैंने बोला था आधी चार्जर लिया। हाँ, कपड़े नहीं नहीं, मेरे को ध्यान पे था जब सीढ़ियां उतर गया था ना, जब भी तूने फोन पे बोला था ना कि ये लेना, उसके बावजूद मैं भूल गया था। उसके बाद नीचे सीढ़ियों पे याद आया, पता है नीचे तो उतर गया था, पहले फोन का चार्जर भूला, फिर उसके बाद अरे याद आया लैपटॉप का चार्जर भी नहीं लिया, दो बार ऊपर नीचे किया था, दो बार ऊपर नीचे गया था मैं घर से। लोकल लो बात, मैं तो भूल ही गया था यार कि छतरी भी डालनी है यार, रेनकोट नहीं है ना मेरा रेनकोट ही नहीं है यार, वो भी देखेंगे कभी लेंगे फुर्सत में। छतरी तो मेरे को याद ही नहीं थी, मेन तो छतरी है, आजकल इतनी बारिश होने लग गई और हमने छतरी नहीं डाली है। नम्रता दीदी डाल देगी, कर देगी, वो भी नम्रता दीदी। आज रात के खाने में हमारे पास दाल, चपाती, मैंगो, आलू, पापड़ और वो उनका खाना है, ये मेरा खाना है, उनका खाना वाला नम्रता दीदी का खाना है। आज नम्रता दीदी बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा अपसेट है कि हम कल माँ बेटे जा रहे हैं और इनको नहीं लेके जा रहे हैं। क्या आप बताएंगे, नम्रता दीदी को ऑफिस का काम है इस वजह से वो नहीं चल पा रही है, नहीं तो वो भी चल लेती थी और पापा को भी ऑफिस पे जाता है क्या कोई घूमने। अभी हम कहाँ जा रहे हैं गाइस, वो सस्पेंस है, कल बहुत सही जगह होने वाली है। तो यार जल्दी से खाना खा के करते हैं आपसे बात। भाई साहब खाना वाना भी खा लिया, आज का खाना इतना मस्त था यार, दाल चपाती आलू के साथ इतना मज़ा आ गया, पेट भर के खा लिया। तो यार इसी व्लॉग को करते हैं खत्म। आई होप आप लोगों को ऐसे व्लॉग्स पसंद आते रहेंगे, डेली व्लॉग्स यार ऐसे ही होते हैं कि यार आज मैं किधर बाहर नहीं गया, ऑल्दो मेरे को जाना था लेकिन बारिश की वजह से अटक गए, लेकिन वो वाला प्लान कैंसिल हो गया, कोई गम नहीं। लेकिन जो कल वाला व्लॉग होने वाला है यार, कल वाले व्लॉग का यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज यार वो जगह मैंने नहीं देखी है, मैंने सिर्फ सुना है वो जगह के बारे में, आप लोगों ने भी शायद ही वो जगह देखी रहे। तो यार मैं जो कल व्लॉग के लिए आपको बता रहा हूँ ना यार, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जिसकी कोई हद ही नहीं है, बिकॉज कल बहुत सारी चीज़ें आपको हिस्टोरिकली सीखने मिलेगी। यार हिस्टोरिकली नहीं, मैं नहीं 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 बता रहा, नहीं बता रहा कौन सी जगह पर जा रहे हैं, वो कल ही आप देखना यार, आप लोगों को बहुत सीखने भी मिलेगा, मुझे सीखने मिलेगा, क्योंकि मेरा वो लोग नया एक्सपीरियंस कुछ होने वाला है यार, कुछ अलग ही चीज़ होने वाली है, मेरे को नहीं पता है कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, लेकिन मैं इतनी श्योरिटी दे सकता हूँ कि यार मज़ा बहुत आने वाला है। तो बोलते हैं ना यार, जैसे कि यार मेरे मामा मम्मी की शादी में दलूल दलूल आना, तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि गाइज भाई और उनकी बहनों कल मेरे व्लॉग में दलूल दलूल आना, ठीक है, तो कल वाले व्लॉग में ज़रूर आना। तो यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड द हाइप इज़ रियल भाई साहब, हाइप इज़ रियल, जो भी कल होने वाला ना शब्द नहीं है मेरे पास। तो इसी व्लॉग को करते हैं ख़त्म, मिलेंगे आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय, पीस विद पप्पी।